ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा क्षेमकरा भवन्तु आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज प्रातःकाल की बेला में 9 बजे रविवार का दिन शुक्ल पक्ष की दशमी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और साथ ही परमपिता से भी यह वंदन है कि आपके लिए आज से इस समय से आने वाला प्रतिपल प्रतिक्षण हर पूरा समय और भी सुखकारी हो, मंगलकारी हो। मित्रों, आप जैसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक शनिवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे हम ज्योतिष के कुछ विशिष्ट सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, मूल बातों का विचार करते हैं। और यह भी आपको विदित ही है कि हम इसमें कोई प्रश्न या सलाह नहीं दे पाते हैं, फिर भी जिज्ञासु अपना क्वेश्चन इसमें पोस्ट करते रहते हैं। राहुल जी कहीं राजपुरा से क्वेश्चन डाल रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं। कोई भी यदि सज्जन इच्छुक हो कंसल्टेंसी के लिए, तो वह केवल और केवल मेरे मोबाइल नंबर पर बात करके कंसल्ट कर सकता है और उसके लिए नियत फीस भी है, निःशुल्क फ्री यह सेवा उपलब्ध नहीं है। पूर्णिमा जी प्रणाम, राहुल जी का भी स्वागत है, ज्योतिषपुंज टीवी का भी स्वागत है, समस्त मित्रों का स्वागत है, जो जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। जो बाद में जुड़ेंगे, धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, उन सभी का स्वागत है। सभी के कल्याण की कामना करते हुए हम अपनी बात शुरू करते हैं। मित्रों, पिछली बार हमने ज्योतिष के एक विशिष्ट भाव कुंडली के द्वितीय भाव की चर्चा की थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम तृतीय भाव की चर्चा करेंगे। और तृतीय भाव की कैसे फल हैं, कैसे फल होने की संभावना है, कैसे जातक का व्यवहार होगा, क्या उसको किस तरह की बातें मिलेंगी, ये सारी बातें हम इस चर्चा में आज की करेंगे। फिर भी सज्जन कंसल्टेंसी बात करते हैं, भैया अगर आप फीस के साथ बात करना चाहते हो, फीस पे करना चाहते हो, तो 9:30 बजे के बाद आज आप मेरे से बात कर लें। अब इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि बीच में वो डिस्टर्ब हो जाता है। मुकेश नारंग जी का भी स्वागत है, मधु जी का भी स्वागत है। चलिए, अब तृतीय भाव की हम चर्चा करते हैं कि लग्न या प्रथम भाव और द्वितीय भाव के बारे में हमने कुछ गुण, कुछ तत्व, कुछ बातें जान ली हैं। अब तृतीय भाव क्या बताते हैं? तृतीय भाव से एक हमारा जो वाणी है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप जानना चाह रहे हैं, जो आप मैसेज मेरे को कर रहे हैं, चाहे विशेष कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, या अपनी कुछ क्वेरी लिख रहे हैं, वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेट हम कैसे करते हैं? वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्मों से कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी बातें तृतीय भाव बताते हैं। ठीक है, और उस तृतीय भाव में के जो कारक ग्रह हैं वह सर्वशक्तिमान मंगल महाराज हैं। मनसा वाचा कर्मणा तो ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन कैसा है, मन से क्या हम चाह रहे हैं, वचनों से, मुंह से हम क्या बातें कह रहे हैं और कर्म क्या कर रहे हैं, उसके अनुसार हमको फल मिलने चाहिए, क्योंकि यही तो नियति है। यही पितामह ब्रह्मा जी ने इसीलिए हमारे को इस संसार में हमारे शरीर की संरचना की है, और उस संरचना को करने के लिए हमारे माता पिता को भी आदेश दिया था कि जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए।
फिर दूसरी बात उसी में हम बात करते हैं, ये वाणी के अलावा जैसे मन वचन कर्म तीनों का अगर संयोग मिले, तीनों हम बैलेंस करें, तीनों अच्छा मन हो, शुभ वाणी हो और सुकर्म हो, तो फिर उसको कौन रोकेगा, है ना। तो उसका तो प्रोग्रेस होना जरूरी ही है। हाँ, साथ ही साथ भाग्य क्या है, भाग्योदय क्या है, जो आज हमने कर्म किया उसके फल भी तो कुछ तो मिल जाएंगे, अभी आज ही कुछ, कल मिलेंगे कुछ, आने वाले समय में मिलेंगे। और इस शरीर में भी, इस जीवन काल में भी हम पास्ट लाइफ के कुछ फलों को भी तो लेके आए हैं, जो कर्म वहाँ हमने किए थे उनके फल भी तो आज हमको मिलेंगे। तो सबका फल मिला के ही भगवान जब किस चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके बाद देना ही चाहिए। वो कोई पूछ नहीं कि मैंने अपना नाम शेयर किया था, डेट ऑफ बर्थ दी थी और जानना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी शेयर करने से कुछ नहीं होगा, आप फ़ोन करके बात करके डिटेल देंगे और फीस पे करेंगे तभी बात होगी, तभी कंसल्टेंसी होगी। चलिए, अब तृतीय भाव केवल वाणी ही नहीं है, वाणी के अलावा, कम्युनिकेशन के अलावा, बोलने के अलावा, हमारा पराक्रम भी है। हम में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, पराक्रम किस चीज़ की, क्या किसी को दबाना वो पराक्रम है, क्या कुछ भी काम कर लेना, अपने मनमानी कर लेना वो पराक्रम है, वह भी एक तरह का पराक्रम है। लेकिन साथ ही साथ अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से दूसरे का कल्याण कर देना वो भी पराक्रम है। और उसी पराक्रम के द्वारा जो मेरी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो मेरे को कर्म निहित हैं, जो सुकर्म मुझे करने चाहिए, वो भी मेरा पराक्रम है। और उसके अलावा साथ ही साथ जो हमारे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, कुबोन्स हैं, उनके बारे में भी इसी पराक्रम के भाव से, तृतीय भाव से जानकारी मिलती है। यह बहुत सारी चीज़ें जब हम मिलाते हैं तब मंगल महाराज जो उसके कारक हैं, तृतीय भाव के कारक हैं, मंगल की स्थिति से तृतीय भाव कैसा होगा, तृतीय भाव के फल कैसे होंगे, यह सारी बात, यह सारे तथ्य आपको पता चलते हैं। अब एक तो ये तरीका था, मंगल की स्थिति से तृतीय भाव के फलों को पता चलेगा, चाहे आपका कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका रिकॉर्ड हो, चाहे आपके कागजात हो, चाहे आपके भाई बहन हो, उनसे रिश्ते हो, वाणी कैसी हो, कर्म के फल कैसे मिलेंगे, कैसे आप बोलेंगे, कैसा हो रिवर्स होगा। भाई जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। फिर दूसरी बात तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और तीसरी बात कबीरदास जी के दोहों के रूप में हम सुने जाने, तो उसमें क्या ज्ञान है, तोल मोल के बोल। पहली बात कबीरदास जी की अगर हम लें, कहते तोल मोल के बोल, भाई जितना बोलना है, जैसा बोलना है, जैसा बोलना है, सटीक हो, सोचो, थिंक, रिथिंक, अगेन थिंक, तब आप अपनी बात तक, बातों को बाहर लाएं वाणी से, तब जिह्वा से बाहर निकालें। कर्म ऐसा कर्म करें कि जिससे आपका हित तो निहित है, आपका भला तो हो, आपका कल्याण तो हो, आपके कर्मों की पूर्ति तो हो, आपकी इच्छों की पूर्ति तो हो, लेकिन उस कर्म से किसी को हानि ना हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे, और गाहे बगाहे जाने अनजाने किसी को पीड़ा ना पहुंचे। बोलना और कर्म करना, लेकिन यह ही नहीं, इसके अलावा सोचना, सोच विचार करना कि मैं कर्म तो कुछ कर रहा हूँ दिखावे का, बोल तो कुछ रहा हूँ दिखावे के लिए, और लेकिन मन में तो मेरा कुछ और ही चल रहा है, मन में तो चल रहा है पूरी दुनिया की दौलत तो मैं इकट्ठा कर लूँ, मैं तो उससे चीज़ें ले लूँ, मैं तो उसको ना दूँ, उसका जो ड्यू है वो भी ना दूँ, जो ड्रोन है वो भी मेरे पास आ जाए, दूसरे का हिस्सा भी मुझे मिल जाए, नहीं, तब हम कुछ न कुछ अनर्थ कर रहे हैं। तीनों को बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि इसीलिए हम मानव मात्र हैं, बाकी प्राणियों से इस मानव मात्र को कुछ अलग बनाया है। अगर हम उपकार की बात करते हैं, तृतीय भाव से संबंधित उपकार की बात करते हैं, तो महर्षि दधीच का नाम आता है। कैसे महर्षि दधीच थे, उन्होंने देवताओं को रक्षा के लिए जब वज्र बनाने की जरूरत आई तो उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया,
क्योंकि महर्षि दधीचि कमजोर तो थे शरीर से, लेकिन उनकी हड्डियों में, उनके बोन्स में जो तप का बल था, उस तप के बल से जो वज्र बना, किसी भी राक्षस का संहार करने के लिए वो तपस्वी के वज्रों हड्डियों से बने हुए वज्र से उनका संहार हो गया, देवताओं का कल्याण हो गया। तो ऐसे हम तपस्वी बने, ऐसे आज के समय में इस कलयुग में हम नहीं भी पहुंच पाते तो वैसी इच्छा तो रखें, वैसी वाणी तो रखें, वैसी भावना तो रखें, कुछ हद तक वैसे कर्म तो करें। क्योंकि जो राहुल स्वामी जी का भी स्वागत है, आशीर्वाद है, नमस्कार है राहुल जी, तो उस हमारे कर्म कैसे हों ये हमने बात जानी। हाँ, इसके लिए मंगल ऊर्जा वाले जो हैं, ऊर्जावान होना तो जरूरी है। ऊर्जा अगर नहीं है तब क्या होगा, हम कहीं न कहीं उसको अचीव कर पाने में, उसको परफॉर्म कर पाने में, अपनी ड्यूटी को निभाने में, अपने कर्म को निभाने में, अपने कर्तव्यों को निभाने में पीछे रह जाएंगे, छूट जाएंगे। इसलिए मंगल महाराज की आराधना करना, मंगल महाराज का पूजन करना, उनको नमन करना, प्रणाम करना भी जरूरी है। अब इसी क्रम में अगर हम बात करें, हनुमान जी का नाम लीजिए, हनुमान जी के पराक्रम के आगे किसी और का पराक्रम हो सकता है क्या? बिल्कुल कदापि नहीं हो सकता। फिर सीमा जामवाल जी का भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग सीमा जी। तो हनुमान जी का पराक्रम कैसा था? उन्होंने भगवान राम के चरणों की सेवा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लक्ष्मण जी को जब मूर्छा लगी थी, ब्रह्मास्त्र से वो बेहोश हो गए थे, सुसेन वैद्य ने जब उनको कहा कि वो हिमालय में ये जड़ी बूटियां मिलेंगी, आप प्रणाम करके उन जड़ी बूटियों को लाइए, और जब नहीं हनुमान जी के समझ में आए तो उन्होंने क्या किया, पूरा पर्वत को ही, संजीवनी जिसमें थी, पर्वत को ही उठा के ले आए लंका में और वहां स्थापित कर दिया। उससे प्राप्त संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हुई, और फिर वैद्य जी ने उनको आदेश दिया कि अब इस पर्वत को वहीं स्थापित कीजिए जहां पर आप, जहां से ये आपको प्राप्त हुई थी और जहां से आप इनको लेके आए थे, उनको माफी भी मांगिए, सारी बात थी। तब हम क्या करें, तो ऐसी पराक्रम की जरूरत है। और गोवर्धन पर्वत का नाम तो आपने सुना ही होगा, भगवान कृष्ण ने दुष्टों से रक्षा के लिए छत्र के रूप में एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था, दुष्टों का संहार किया था, कंस और कंस की सेना का संहार किया था, और गोपियों की सज्जनों की उन्होंने रक्षा की थी। ऐसा पराक्रम हम बना पाएं, कुछ हद तक देख पाएं, वो पराक्रम वह भी है। आप किसी के साथ अन्याय ना करें, यह भी आपका पराक्रम है। किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और आप उसको देखते हुए कहीं सिर झुकाते हुए, आंखों को बजाते हुए, नजरें चुराते हुए निकल जाते हैं, उस असहाय की अगर मदद नहीं करते हैं, तो आपका बल, आपका प्रभाव वो क्षुद्र है। क्योंकि अपने भोजन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए तो जानवर भी विचरण करते हैं। तब क्या करें, तब हमको उद्यमी भी बनना है, पराक्रमी भी बनना है, और अपना जो हम जिस तरह से हो सकता है दूसरों के साथ मिल बांट कर वो शेयर भी करना है। अब हम सीधी सी बात कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग अपने डिटेल ही जानना चाहते हैं, या तो फीस नहीं देना चाहते हैं, या समझते नहीं हैं मेरी बात, मेरे फ़ोन पर बात करने के लिए, उसको मैं बार बार नहीं लूँगा। अब जो हम बात करते हैं, यदि तृतीय भाव में मेष राशि हो, जिसके कारक तो तृतीय भाव के मंगल हैं और मेष राशि के स्वामी भी मंगल ही हैं, तो जातक अधिक पराक्रमी होने की संभावना होती है, बशर्ते वो मंगल महाराज की स्थिति कहीं न कहीं शुभ हो। अपने भाव के स्वामी जो हैं, तृतीय भाव के स्वामी तृतीय भाव से केंद्र में हो या नॉर्मल केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10वें भाव में हो या त्रिकोण में हो, लग्न में पंचम भाव में या नवम भाव में हो, तो भी पराक्रमी होते हैं जातक। और यदि ऐसा नहीं है तो तृतीय भाव से केंद्र में हो, तृतीय भाव से त्रिकोण में हो, तब भी उस तृतीय भाव के लिए मंगल महाराज जो लग्नेश भी हैं, मेष राशि के स्वामी हैं, सुखकारी होंगे।
अब दूसरी बात, अब वृषभ राशि अगर हो, वृषभ राशि कैसे है, ताकतवर राशि है, बैल जिसके चिन्ह हैं और शुक्र उसके स्वामी हैं वृषभ के, तो बैल जैसे में मेहनती होगा इंसान, और शुक्र जिसके स्वामी है कैसे होंगे, वो शुक्र उसको सॉफ्टनेस भी देगा, सौम्यता भी देगा, और वो जातक मिलनसारिता भी उसमें भरी होगी, भाई बहनों से संबंध भी अच्छे, कम्युनिकेशन भी बहुत सॉफ्ट, और कुछ भी बात कहने में, कुछ भी कर्म करने में, पराक्रम करने में वो थकते भी नहीं। तृतीय राशि अगर हो, मिथुन राशि हो, मिथुन राशि क्या है, बुध उसके स्वामी हैं, बच्चे जैसी पोजीशन है, कन्या है, दो फीमेल्स हैं, तो कैसे हैं, बातूनी जातक होगा, जब बातूनी होगा तो उसमें पराक्रम कैसा होगा, कहीं ना कहीं डाइवर्टेड होगा बुध, लेकिन बुध का जो राशि है, बुद्धि की राशि है, विद्या की राशि है, विद्या की राशि है तो कैसे होंगे, विद्या तो देने वाले हैं, विद्या तो उनको मिलेगी ही, पराक्रम विद्या से बुद्धि से भी उसको हो जाएगा। कर्क राशि हो, कर्कट राशि जिसके स्वामी चंद्रमा है, तो तृतीय भाव चंचलता लिए हुए, शुभता लिए हुए, मिलनसारिता लिए हुए, क्यों जलीय तत्व हैं कर्क राशि, तो मीन्स सबसे मिलने की कामना, सबसे मिलने की इच्छा, और आसानी से एडजस्ट हो जाने वाले, और चंद्रमा तो शुभ राशि है ही है, सॉफ्ट है ही है, चंद्रमा किसी को भी शत्रु नहीं मानते, तो वो शत्रुवत व्यवहार पराक्रम से नहीं ही करेंगे, चाहे भाई बहन ही। अब अगली बात, सिंह राशि अगर हो, सिंह राशि तो राजा वाली राशि है भैया, सूर्य उसके स्वामी हैं, डोमिनेटिंग हैं, प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली हैं, सिंह राशि तृतीय भाव में हो तो उनका प्रभाव तो अपने आप चमकता है, अपने आप दिखता है, और सूर्य कैसे हैं, पूरी रोशनी देने वाले, पूरी प्रकाश देने वाले, पूरी ऊर्जा देने वाले सूर्य हैं, तो ऐसा तृतीय भाव है तो जातक का व्यवहार तृतीय भाव से गुण इस तरह के प्राप्त करेंगे। और जो छठी राशि है वह है कन्या राशि, फिर वह बुध की राशि, बुद्धिमान तो होंगे लेकिन कन्याएं कैसी हैं, कन्याएं बातूनी हैं, टू मच टॉकेटिव हैं, बहुत सारी बात करने वाले लेकिन बात कैसी करने वाले, चाहे मिथुन हो या कन्या हो, सौम्यता की मधुर बातें करने वाले, इनोसेंट बात करने वाले, भाई बहनों से भी संबंध इनोसेंट ही होंगे, कोई रिजिडिटी नहीं होगी, इस तरह की बातें कन्या राशि। अब कन्या के बाद जो अगली राशि आ गई तुला, तुला का चिन्ह कैसा है, बैलेंस है, तोल मोल के बोलने वाले, जो शुरुआत की बात हमने की थी, कुछ भी पराक्रम करेंगे उसका प्लस माइनस देख लेंगे, इस काम को करने से मुझे अच्छा मिलेगा, नुकसान होगा, नाम होगा, बदनाम होगा, भाई बहनों से संबंध कैसे होंगे, उनसे मुझे कब क्या कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, ये सारी बातें वो मिथुन तुला राशि के जातक अगर होंगे, तुला राशि होगी इसमें, वो जातकों का फल ऐसा, और शुक्र महाराज फिर मिलनसारिता होगी, होशियारी से चालाकी से अपना काम करा लेने में, पराक्रम को मनवा लेने में माहिर होंगे, क्योंकि शुक्राचार्य महाराज दैत्य गुरु भी थे, उनका भी बुद्धि विवेक अधिक है, कम नहीं है। इसी तरह तृतीय भाव में यदि वृश्चिक राशि हो, वो फिर मंगल राशि के मंगल महाराज की राशि है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि कैसी है, अलूफ रहने वाली, अलग रहने वाली, हटके रहने वाली, छुपके रहने वाली प्रवृत्ति वृश्चिक राशि की है, और कारक भी मंगल हैं, वृश्चिक के स्वामी भी मंगल हैं, तो दो फल मिलेंगे, कारक के फल भी अर्थात उसका पराक्रम अधिक होगा, और छुपे हुए हैं, छुपे हुए कोई काम करते हैं, अलूफ रहते हैं, वो ताक झांक में रहते हैं, वो मौका परस्त होते हैं, और वो क्या करने वाले होते हैं, छुप के अटैक कर देने वाले, जब भी थोड़ा सा खतरे का आभास हुआ तुरंत उन्होंने डंक मार दिया, बिच्छू हैं, तो जब डंक मार देंगे तो संबंध कैसे होंगे, पराक्रम कैसे होंगे, अपने लिए करने वाले छुप के पीछे से वार करने वाली ऐसी प्रवृत्ति होती। और इसी क्रम में आगे की बात हम करते हैं, जब धनु राशि हो, धनु राशि के स्वामी तो महाराज गुरुदेव ही हैं, गुरुदेव गुरु बृहस्पति जो देव गुरु हैं, बहुत ही सौम्यता वाले ग्रह, सबसे सौम्य ग्रह, सबसे शुभ ग्रह,
उनको प्रणाम सवेरे किया जाता है, प्रातः स्मरणीय है ऐसे गुरु। और उनकी राशि जब यहाँ पर होगी, जो धनु राशि है, धनु राशि क्या उनका बुद्धि का तो बहुत कुछ क्या कहना। पराक्रम यूज तो करेंगे, वाणी को यूज तो करेंगे, कर्म को करेंगे तो जरूर, लेकिन बुद्धि से ऐसा काम करने की उनमें टेंडेंसी होगी। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, अपनी बात कम्युनिकेट कर तो दी लेकिन किसी को उसका बिटर नहीं लगा, कड़वा नहीं लगा, बुरा नहीं लगा। सत्य बात भी कह दी, सत्य कर्म भी कर दिए, सत्कर्म भी कर दिए, मन से भी साफ, मन से भी विचारों से भी साफ, कोई मलिनता नहीं, लेकिन उसको सारी बुद्धिमानी से करने वाले। हाँ, एक चीज धनुष की है, धनु राशि की, बिल्कुल निशान लगाने वाले और बिल्कुल जो गोल है, गोल को गेन करने वाले, उस गोल को किसी भी रूप से छोड़ेंगे नहीं, उसको गेन करके ही रहेंगे। गुड मॉर्निंग रिया यादव जी, गौरव खोसला जी का भी स्वागत, इस तरह सभी मित्रों का स्वागत। और अब इसमें अगली बात, अगली राशि अगर मकर राशि हो, शनि महाराज की राशि, लंबी राशि, दुबली पतली राशि, शरीर दुबला पतला, और मगरमच्छ है स्वामी उनके। मगरमच्छ कैसा है, शनि महाराज कैसे हैं, शनि तो न्याय देने वाले, अन्याय नहीं करने वाले हैं, लेकिन मगरमच्छ कैसे हैं, धोखा देने वाले, सबसे धोखा देने वाले जानवरों में आता है। अटैक कर दे, चुपचाप पीछे से छुप के अटैक किया, और इतने मजबूत उनके जबड़े हैं, उनके जबड़ों की, उनके दांतों की पकड़ इतनी मजबूत है कि जो उसके ग्रिप में आ गया, एक बार पकड़ लिया तो शेर को भी अगर पूंछ भी शेर किया तो छोड़ते नहीं है, वो ग्रिप में लेके दूर गहरे समुद्र में ले ही जाते हैं। ऐसे मगरमच्छ का कार है, इन धोखेबाजी कर सकते हैं, और अपने लिए, अपने भले के लिए, अपने भक्षण के लिए, अपने उधर की पूर्ति के लिए, प्रतिपूर्ति के लिए, किसी और काम के पूर्ति के लिए, वो दूसरों का किसी भी हद तक भी नुकसान कर सकते हैं, वध भी कर सकते हैं। यह बात थी मकर की। और जो कुंभ राशि अगर तृतीय भाव में हो, कुंभ राशि क्या करेगी, कुंभ राशि के जातक तृतीय भाव में क्या करेंगे, पराक्रम तो बहुत होगा लेकिन पराक्रम को समेटे रहेंगे, बिल्कुल दिखाते नहीं। घड़ा है ना, ऊपर से जो आया घड़े में से पानी जल जल थोड़ा भरा, लेकिन अंदर पूरा समाहित हो गया, पेट में समाहित हो गया, समुद्र में समाहित हो गया, वो अपने पराक्रम को, चीज़ों को, बातों को जितनी जरूरत है उतना ही निकालते हैं, बाकी अपने मन पे, मस्तिष्क पे, उदर पे, हृदय में समाये रहते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी उतना उसका योग, उपयोग, प्रयोग, उपभोग करते रहते। जरूरत एक रुपए की है तो सवा रुपये नहीं निकालेंगे, एक ही रुपया निकालेंगे। हो सकता है कह दें भैया 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे कम निकाल लो, इससे काम चला लो, ऐसा कार्य होगा, ऐसे कर्म होंगे, ऐसा पराक्रम, ऐसा मनसा वाचा कर्मणा। कुंभ का अगर राशि वहाँ पर तृतीय भाव में होगी तो ऐसे फल मिलेंगे। और कुंभ के बाद जो अंतिम राशि है इस क्रम की, या जो हमारे जोडियक की, या जो हमारे वैदिक ज्योतिष की जो 12वीं राशि है, 12th राशि, वो क्या है, मीन राशि। मीन राशि फिर देवगुरु बृहस्पति की राशि है, विवेक तो इस्तेमाल होगा, बुद्धि तो इस्तेमाल होगी, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, मीन राशि के जो चिन्ह है वो समुद्र में, तालाब में, नदी में चलने वाले मछली हैं। मछली कैसी रहती है, बहुत ही अत्यंत चंचल है, बहुत ही तेज भागने वाली है, और बहुत ही कमजोर है, जल से थोड़ा सा निकालो तड़प आ जाती है, तड़प के मर जाती है, फिर जल मिल जाए फिर वो जीवित हो जाती है। हम मर गई तब नहीं, एक बार थोड़ा निकाल के रख दें फिर वो हाथ से फिसल जाती है। तो फिसल जाने जैसे वाली बातें मीन राशि की हैं, पराक्रम से फिसल सकते हैं, बुद्धि विवेक होने के बावजूद भी, कर्म अच्छे करने के बाद भी, क्योंकि जाति का भी कारकत्व आएगा, उसकी चिन्ह का भी कारकत्व आएगा, उसके कर्मों का भी कारकत्व आएगा, और जो बुद्धिमत्ता की बात है, बुद्धिमत्ता तो होगी ही होगी ही। मीन राशि के जातकों का ऐसा कार्यकर्ता तृतीय भाव से संबंधित अगर है तो ऐसा उनका फल मिलेगा। हाँ, अब एक चीज और है, जो भी मेषादि मीन पर्यंतम, मेष से लेके मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशियों में से जो भी राशि हो, उस राशि के स्वामी जो भी ग्रह हो, सातों ग्रह,
सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र या शनि, जो भी ग्रह उसके स्वामी होंगे, जो राशियों की उसके ग्रह होंगे, उन ग्रहों की स्थिति कैसी है उस स्थिति के अनुसार ही फल भी तृतीय भाव से संबंधित मिलेंगे। शुभ स्थिति में होंगे शुभ फल मिलेंगे, अशुभ स्थिति में होंगे अशुभ फल मिलेंगे। शत्रु राशियों की भावों में होंगे, शत्रु ग्रहों से संबंध बना रहे होंगे उस राशि के स्वामी, तो जातक अपने लिए भी दूसरे के लिए भी शत्रुवत व्यवहार करेंगे, शत्रुवत कर्म करेंगे, सफलता मिलने में परेशानी दिक्कत गाहे बगाहे हो ही जाएगी। और वही अगर मित्र ग्रहों की राशियों में हो, मित्र ग्रहों के साथ संबंध बना रहे हों, युति हो, दृष्टि हो, स्थिति हो, पीएसी जो भी कहें, पोजिशन एस्पेक्ट या कंजंक्शन अगर ऐसा हो तो सोने पे सुहागा होगा। मित्रता अगर बात होगी तीनों पीएसी में अच्छी है तो भी सोने पे सुहागा, अर्थात तृतीय भाव के संबंध और पुण्यात्मा की तरफ जाएंगे और अच्छी तरह मिलेंगे और अधिक मिलेंगे। यह वाणी ऐसी वाणी, यह तथ्य ज्योतिषी आकलन जो महर्षि पराशर जी के द्वारा बताया गया है उसके अनुसार हम आकलन करते हैं और इन्हीं बातों को हम प्रस्तावित भी करते हैं, इन्हीं बातों को प्रयोग भी करते हैं और इन्हीं के अनुसार साधारणतया हम प्रयोग भी करके उनका उपाय, अगर कोई दिक्कत है, निराकरण करने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि शुरुआत में ही हमने कहा था, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, हम तो केवल, हमारा तो कर्म करने में अधिकार है और फल तो वही ऊपर वाला देने वाला है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हे जातक, हे इंसान, तेरा तो कर्म में ही अधिकार है, फल तो ऊपर वाला देगा। हाँ, सुकर्म होंगे, सुकर्मा होगा, सुकर्मा होगी तो उसके फल अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि ऊपर वाला भी तो देखता ही है, वो परमपिता भी तो देखता ही है। इस तरह के कर्मों को हम साथ लेंगे तो तृतीय भाव से हम जानेंगे। अब हम किसी की वाणी को दोष दे दें, किसी के व्यवहार को दोष दे दें, किसी के भाई बहन को दोष दे दें, किसी के रिकॉर्ड में, कागजातों में इन चीज़ के परेशानी की बात कह दें, वो चाहे उसका भाग्य हो, लेकिन उस तीसरे भाव की स्थिति से ये सारी चीज़ों का पता करेंगे। इसलिए हमारा काम क्या है, ज्योतिषी आकलन क्या है, पूरे 12 भाव के उसके पराक्रम की साथ ही बाकी भावों की भी हम परीक्षा करके, एनालिसिस करके, उसका विचरण करके, उसका विचार करके, उसका प्रिडिक्शन करेंगे। कि बजाय किसी को दोष देने के, बजाय किसी को नेगेटिव कहने के, हम जान सकते हैं वजह क्या है। वजह तो इसमें छुपी है, इसके जो भाग्य में छुपी है, इसके कर्मों में छुपी है, इसकी विद्या में छुपी है, इसके विभिन्न भिन्न भावों में कौन सी राशि है उसके फलों में छुपी है। और एक बात और कह दूं, यदि इस तृतीय भाव में राहु का प्रभाव हो, राहु स्थित हो, या राहु की दृष्टि आ रही हो, तो क्या होगा, या राहु का काम भटकाव का है, अप्स डाउन्स का है। बाकी ग्रहों की तो हमने बात जान ली, अप्स डाउन्स करने वाले, किए को बिगाड़ देने वाले, बिगड़े हुए को ठीक कर देने वाले, असंभव को संभव, संभव को असंभव कर देने वाली प्रवृत्ति राहु लिए हैं, तो वह क्या करेंगे, पराक्रम भी वैसा ही होगा, बेकार के बातों में करवा देंगे काम, मेहनत करा दी, फ्रूटलेस मेहनत करवा दी, कहीं कुआं खुदवा दिया, कहीं एक सज्जन ने किसी सरकार की आदेश से यूपी के किसी एक जिले में, कानपुर के बगल में एक उन्नाव जिला है, वहां पर खुदाई करवा दी, इतना टन मिलेगा सोना, कुछ भी नहीं मिला, खाली व्यथा हुई, पूरा पूरा सेंसिटिविटी बना दी पूरे दुनिया में, कुछ नहीं मिला। तो ऐसा पराक्रम भी क्या, वो राहु का कहीं ना कहीं प्रभाव उस समय चल रहा था। तो इस तरह की बातें करते हैं, राहु का प्रभाव है। और केतु महाराज अगर होंगे, केतु का काम है ढीठ बना देना उस भाव से संबंधित कामों को, वो दूसरे के सुनते नहीं हैं। अगर किसी प्रभाव में नहीं होंगे तो ढीठ बना देंगे, अपने पराक्रम जैसा है वो करते ही जाएंगे, दूसरे के सुनेंगे नहीं। हाँ, अगर किसी ग्रह का प्रभाव आ रहा हो, युति से आ रहा हो, दृष्टि से आ रहा हो, स्थिति से आ रहा हो, तो फिर उसका जैसा फल दे देंगे, अर्थात जिसके प्रभाव में केतु होंगे उसके जैसे फल दे देंगे। अपना कोई विचार, अपना कोई फल देने में राहु और केतु की इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं है। लेकिन राहु फिर भी चोर हैं, चटोरे हैं, वो अपना काम फिर भी कहीं कहीं कर देते हैं। क्योंकि आपने तो जाना ही है, सुना ही, आप जानते ही हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु महाराज ने चोरी से दैत्यों ने
अमृत पान कर लिया था और उसी के फल स्वरूप, उसी के दंड स्वरूप देवताओं ने उस राक्षस का मस्तक काट दिया था, धड़ अलग हो गया, सिर अलग हो गया। तब से ये दो चीज छाया ग्रह के रूप में जाने जाने लगे, अर्थात धड़ अलग केतु और सिर अलग राहु, ऐसा माना गया। ऐसी कर्म हुई, ऐसी गाथा थी। तो मित्रों, तृतीय भाव की गाथा इतनी ही। आने वाले शनिवार को फिर आपका स्वागत रहेगा, फिर हम चतुर्थ भाव की गाथा करेंगे। और आज जितने भी, रिद्धिमा बंसल जी का भी स्वागत है, मनोज जी का भी स्वागत है, हासन जी का, रिया यादव जी का भी स्वागत है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, फिर भी मेरे कहने के बाद भी वो डिटेल पोस्ट कर रहे हैं, मैं ना तो पढ़ पाता हूँ ना इनको आंसर दे पाता हूँ, क्योंकि इस समय हमारी बात कुछ और है। दीपिका शर्मा जी भी कुछ बात पूछना चाह रही हैं। सभी से फिर अनुरोध, अगर आप वास्तव में सीरियस हैं, जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मेरे मोबाइल नंबर 9818885137 पर संपर्क कर सकते हैं। कभी आप नंबर नोट ना कर पाएँ तो ज्योतिषपुंज टीवी से भी आपको मेरा नंबर मिलेगा। फिर से नंबर बोलूं, 9818885137। और अगर आप संपर्क करेंगे, हाथ दिखाना हो, कुंडली बनवानी हो, कुंडली का विचार करना हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो या वास्तु का कोई काम हो, तो वो शुल्क के साथ है, फीस के साथ है, फ्री सर्विस मेरे पास नहीं है। धन्यवाद। आपका दिन और भी शुभ हो, सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभागं भवेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।